Namaste and a very good evening to everyone. I'm Andhra Popat. I'd like to welcome you all to today's ICANN का आवाज मुझे ठीक से नहीं आ रहा है. Audible? या मेरे लिए ऑडिबल है? मेरे लिए नहीं है. आप जरा ठीक करी होगी. I will just check. So till check that, maybe we can start with the anthem till we do the volume settings. So we will just be playing our ICANN anthem and then we'll proceed to today's ICANN conversation. अलका ताई तुला येत आहे का ऐकायला नीट? हो येत आहे. मला येतच नाही अगं. मुश्किल है अनपढ़ी, ये कैसी कठिन घड़ी, सहमी सहमी जिंदगी, बिखरी हुई बंदगी, मानवता है पुकार रही, दिखाए हम दरिया दिली, I can, you can, we can, India can. हम सब मिल जाए तो, मिलकर हाथ बटाए तो, टल जाएगी ये घड़ी, झूमेगी फिर से खुशी, आशा टूटे नहीं, हौसला रूठे नहीं, साथ ये छूटे नहीं, मंजिल दूर नहीं, मानवता है पुकार रही, दिखाए हम दरिया दिली, I can, you can, we can, India can, I can, you can, we can, India can. I'd like to take this opportunity to thank our COVID warriors. हम अपने सब COVID warriors को धन्यवाद करना चाहते हैं. And we request you all to go to our website covidactionnetwork.in and contribute with us as a partner NGO, as a volunteer, or just as a private organization willing to make a difference. आज का conversation शुरू करने से पहले I would like to first tell our viewers a little bit about ICANN. ICANN conversation में आपका हार्दिक स्वागत है और अब आज का संवाद शुरू करने से पहले आप सबको ICANN के बारे में और बताना चाहूंगी. ICANN, that is India COVID Action Network, is an initiative to help underprivileged communities that have been hardest hit due to COVID-19. It is a unique moment to combat the pandemic through an online platform that connects those who are in need of help and those who can provide it. Our COVID warriors work from home, activating the on-ground community networks and mobilizing resource providers in order to connect the two and to ensure that even the most vulnerable sections of society can sustain themselves through these difficult times. COVID warriors are spread across different states of India and are steadily growing day by day. I'd like to share our COVID impact bulletin for the day. Till date, the total needs fulfilled so far stand at 4,426 points of contact. We have 4,114 COVID warriors on board, 3,435 partner NGOs, and COVID so far has impacted a total of 4,02,113 lives. So, अब आइए मित्रों, आज का संवाद शुरुआत करते हैं. श्रेया. नमस्ते, मैं हूँ श्रेया अग्रवाल और आज चार महिलाएं हैं इस पैनल पे, दो फैसिलिटेटर्स और दो स्पीकर्स. आज एक बहुत इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन के साथ हम अक्सर सुना करते हैं कि महिलाएं पुरुषों के
बराबर है। आज हम देखते हैं महिला पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है, कहीं पुरुषों से कम नहीं है, लेकिन क्या यह परिस्थिति आज से पहले थी? क्या ऐसी परिस्थिति सन ओके क्या ऐसी परिस्थिति सन 1936 में थी? लेकिन क्या यह परिस्थिति आज से 80 साल पहले नहीं थी इस परिस्थिति उस समय पे? आई थिंक क्या ऐसी परिस्थिति सन यस इज दिस बेटर और आज हम लोग एक बहुत दिलचस्प क्या ऐसी परिस्थिति सन 1900 विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं, जिसके लिए हमारे साथ वो बहुत ही इंस्पायरिंग पर्सनालिटी। तो हम अक्सर मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगी तब तक कि क्या आप हमारे व्यूअर्स को कुछ राष्ट्रीय सेविका समिति के बारे में बता सकते हैं कि कब ये फॉर्म हुआ था, क्यों बनाया गया और इसका ऑब्जेक्टिव और पर्पस क्या है? दो तीन आवाज आ रहे हैं। हाँ मैम ठीक से प्रश्न नहीं सुन रहा है, सुनाई दे रहा है और आवाज बहुत सारे आ रहे हैं। अलका जी क्या आप मेरे को सुन पा रहे हैं? अलका जी अलका जी सुनीला जी क्या आप सुन पा रहे हैं? हाँ मैं आपको सुन रही हूँ। हाँ तो मैं शुरुआत करना चाहूंगी हमारे आज के संवाद की, तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आप हमारे व्यूअर्स को आज बता पाए कि राष्ट्र सेविका समिति ऑर्गेनाइजेशन है क्या, कब बनाया गया था और क्यों बनाया गया था, इसका पर्पस और ऑब्जेक्टिव क्या था? अलका ताई जी अलका ताई जी हाँ आप उत्तर दोगे। किसी भी संगठना की स्थापना के लिए कुछ कारण होते हैं। ऐसा नहीं होता है कि अचानक एक दिन संगठन की स्थापना हो गई, उसके पीछे कुछ घटनाएं, तब की सामाजिक परिस्थिति, समाज में होने वाले उथल पुथल, इन सभी का एक परिपाक होकर कोई एखादी संगठना का जब जन्म होता है या स्थापना होती है, तभी वह संगठन या संगठन वह संस्था बहुत दिन तक चल सकती है। राष्ट्र सेविका समिति के बारे में कुछ ऐसा ही हम कह सकते हैं। विशेष रूप से 1930 के आसपास की सामाजिक परिस्थिति, समाज में अपने सामाजिक दायित्व को समझने की क्षमता, समाज में महिला की स्थिति, महिला के तरफ देखने की दृष्टि, इन सब का परिणाम ऐसा रहा कि समाज में महिला का स्थान दुय्यम है ऐसा आभास होने लगा। भारत की महिलाओं को शालेय शिक्षा प्राप्त होना भी दुस्तर हो गया था। और बाकी भी हम परिप्रेक्ष्य को देखते हैं तो ध्यान में आ रहा था कि जिस समाज ने स्त्री को या महिला को वंदनीय माना था, पूजनीय माना था, माँ का एक श्रेष्ठ स्थान दिया था, उसी समाज में आज महिला का कोई स्थान मान नहीं था। घर के अंदर ही अपना कार्य क्षेत्र है ऐसे मानकर महिला जब अपने आप को संकुचित कर रही थी, और ऐसे समय में एक महिला वंदनीय लक्ष्मीबाई केळकर, उनके मन में इस स्थिति के बारे में कुछ चिंतन चल रहा था। उनके ऊपर स्वामी विवेकानंद जी के विचारों का प्रभाव था। वर्धा में होने के कारण महात्मा गांधी जी के प्रवचन वह सुनती थी, मन में व्यथा थी,
महिला उनके शक्ति के बारे में उन अंदाजा था कि महिला में आंतरिक शक्ति है, आत्मिक शक्ति है, उसको जगाने की आवश्यकता है। और इसी समय में उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कार्य देखा, उसकी कार्य प्रणाली से और उसके तत्वज्ञान तात्विक अधिष्ठान से वो बहुत प्रभावित हो गई और उनको लगने लगा कि ऐसा ही प्रशिक्षण, ऐसे ही संस्कार यदि महिलाओं को मिलते हैं तो महिला के अंदर जो एक आत्मिक शक्ति है उसका विकास होगा और उस शक्ति के कारण वो समाज में एक उत्तरदायित्व लेने के लिए तैयार हो जाएगी और उसकी आज समाज को आवश्यकता है। क्योंकि कोई भी समाज एक ही उसके भाग को सशक्त सबल बनकर कार्य नहीं कर सकता या विकास नहीं उसका हो सकता है, तो उसके दोनों जो भाग है वो परस्पर पूरक है और दोनों को सही समान प्रमाण में सशक्त सबल सुदृढ़ बनना ही चाहिए। और इसके लिए उन्होंने ये सारे विचारों का एक परिपाक या एक प्रत्यक्ष रूप ऐसा हम देखेंगे तो 1936 के विजयादशमी के मुहूर्त पर राष्ट्र सेविका समिति की स्थापना की और उससे पहले परम पूज्य डॉक्टर जी से उन्होंने विमर्श किया, विचार विमर्श किया, उनके कार्य पद्धति को समझा, उनके अधिष्ठान का तात्विक अधिष्ठान का अध्ययन किया और उसी लक्ष्य को लेकर समाज के आधे हिस्से को उन्होंने सशक्त बनाने का प्रयास करने के लिए राष्ट्र सेविका समिति की स्थापना की। धन्यवाद अलका जी, आपने ये प्रेरणादायक कहानी हमारे साथ शेयर की कि क्या पर्पस और क्या रीजन था राष्ट्र सेविका समिति को एस्टैब्लिश करने के लिए। अब हम जानना चाहेंगे कि एग्जैक्टली क्या एक्टिविटीज है, क्या प्रोग्राम्स है जो सेविका समिति करती है और सेविका समिति कहाँ कहाँ पर है एस्टैब्लिश्ड अभी। उसका जवाब मैं देती हूँ कि समिति की स्थापना 36 में हुई, धीरे धीरे काम बढ़ने लगा, पहले तो महाराष्ट्र में था और जैसे जैसे सेविकाओं ने प्रयत्न शुरू किए तो धीरे धीरे पूरे भारतवर्ष में फैल गया। तो राष्ट्र सेविका समिति की वर्तमान स्थिति यह है कि वो सभी राज्यों में है, राजनैतिक दृष्टि से देखे तो सभी राज्यों में समिति, उसको प्रांत कहती है, उसकी संख्या थोड़ी अलग रहती है, प्रत्येक जिला तक समिति पहुंची है, शाखा का कार्य पहुंचा है। उसके अतिरिक्त कुछ संपर्कित स्थान है जो तहसील तक पहुंचे हैं, शाखा के रूप में लगभग पूरे भारत का पूरा एरिया कवर किया है ऐसा हम कह सकते हैं। राष्ट्र सेविका समिति एक शाखा के माध्यम से काम करती है जो उसका मूलभूत ऐसा कार्य है, शाखा यह उसकी प्रमुख रीति का अंग है। साथ साथ शाखा में ही सभी महिलाएं नहीं आएगी और महिलाओं के लिए भी कभी कभी उपयुक्त कार्य के उपयुक्त कार्य अलग अलग जगह अलग अलग रहते हैं, इसलिए सभी आयामों का परिचय वह अपने कार्य से समिति दे रही है। उसमें बहुत सारे सेवा कार्य जुड़ जाते हैं, संख्या जुड़ जाती है, तो 3000 तक दैनिक और साप्ताहिक जो दिन में एक बार लगती है और सप्ताह में एक बार लगती है, इस प्रकार की शाखाएं हैं। इस शाखा में एकदम छोटे बालिकाओं से लेकर प्रौढ़ वृद्ध तक सभी प्रकार की महिलाएं आती है। ये एक विशेष भाग है समिति कार्य का। और दूसरा उसके संलग्न ऐसे संस्कार केंद्र है, स्वयं रोजगार केंद्र है, इस प्रकार से छात्रावास बड़े पैमाने पर चलते हैं और इस ये प्रत्येक स्थान ऐसा है कि जहां महिलाओं को स्व संरक्षण क्षम भी बनाया जाता है, संस्कार क्षम भी बनाया जाता है और सभी दृष्टि से एक परिपूर्ण स्त्री प्रकट हो आगे चलकर, ये प्रत्येक आयाम में अपना एक विचार रहता है और कृति भी रहती है और इस दृष्टि से समिति का कार्य चल रहा है। तो मैम हम ये जानना चाहेंगे ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके का है, समिति का कितनी शाखाएं हैं, शाखाएं कितनी
आपकी आवाज नहीं आ रही है। जाना चाहेंगे। अच्छा लगभग 3000 प्लस स्थानों पर अपना काम चलता है, अपना कार्य जो है हर जिले तक पहुंच चुका है। 3000 प्लस चैप्टर्स है। अच्छा। और ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर किस तरीके का है? वो अभी जो शाखा की संख्या है उसको जुड़कर ये विषय शायद आप पूछ रही हूँ। तो स्ट्रक्चर ऐसा नहीं है जो सभी जगह पे होता है। एक मुखिया होता है, उसके अंतर्गत अनेक रचना होती है। तो समिति के नाम कुछ अलग है, जैसे कि कार्यवाही का प्रमुख कार्यवाही का ये कार्य का संचालन करती है, अन्य जगह उसको सेक्रेटरी बोलते हैं। लेकिन समिति में प्रमुख संचालिका ये पूरे संगठन की प्रमुख है। उसके अंतर्गत उसके बाद का जो स्तर होता है वो कार्यवाहिकाओं का होता है। हमारे मध्य में माननीय अलकाताई जो उपस्थित है वो सह कार्यवाहिका के नाते है। प्रमुख कार्यवाहिका माननीय सीता अन्नदानम जी, ये प्रमुख कार्यवाहिका है। उसके नीचे विभिन्न विषयों के प्रमुख आते हैं जो सामान्यतः संगठन को बढ़ाने के लिए आवश्यकता है, उसके अनुसार उसके विभाग किए गए हैं। और यानी कि पूर्ण फोकस ऐसा है कि स्त्री जो शाखा में आ रही है उस वो परिपूर्ण रूप से तैयार हो, एक अच्छा नागरिक तैयार हो, उसका व्यक्तिगत व्यक्ति निर्माण के लिए जो जो करना आवश्यक है इस प्रकार से वो स्ट्रक्चर है। और फिर धीरे धीरे क्षेत्र यानी कि दो या तीन राज्यों को मिलाकर हम क्षेत्र बोलते हैं, हम उसको प्रांत के अनुसार बोलते हैं। बाद में स्ट्रक्चर में अर्थात विभाग आता है, प्रांत फिर विभाग, उसके बाद जिला तहसील, इस प्रकार की रचना है। और ऊपर यानी कि केंद्र स्तर पर जिस प्रकार की एक बॉडी है, कार्यकारिणी इसको हम बोलते हैं, ठीक उसी प्रकार से रचना नीचे तक चलती है। जैसे कि अगर संपर्क करने वाली एक टोली है ऊपर, तो उसी प्रकार की टोली नीचे तक जाए ऐसा प्रयास संगठन के दृष्टि से किया जाता है, ताकि हम अधिकाधिक लोगों तक पहुंचे और अधिकाधिक महिलाओं का संगठन कर पाएंगे, इसलिए ये रचना बनाई गई है। तो एक प्रश्न मेरे दिमाग में आ रहा है। हाँ? कि अब ऑफिशियल लोग जुड़े हुए हैं सेविका समिति से, लेकिन कुछ ऐसी भी महिलाएं होगी जो ऑफिशियली समिति का पार्ट नहीं है लेकिन एक सरोकार रखती है विचारधारा से जी। तो ऐसे लोगों को भी क्या आप अपने साथ संगठित करते हैं क्या? क्योंकि हम आज संघ में ये काफी देख रहे हैं कि शायद आप ऑफिशियली संघ के मेंबर नहीं है लेकिन विचारधारा से सरोकार रखते हैं, समाज में आपका एक प्रभुत्व है तो आपको जोड़ लेते हैं, इस तरीके का क्या होता है? मैं एक उदाहरण देती हूँ आपको। बिल्कुल। एक उदाहरण देती हूँ कि समिति के अनेक सारे प्रतिष्ठान है, उदाहरण अर्थ देती हूँ, ऐसे बहुत सारे आयामों से काम चलता है। तो प्रतिष्ठान का मतलब यह है कि कोई एक वास्तु खड़ा करना, ऐसा नहीं है। तो प्रतिष्ठान में एक ग्रंथालय जैसा होता है, तो ग्रंथालय में आने जाने वाली महिलाएं हैं, पुरुष है, उनके तक संपर्क करना एक माध्यम है। ऐसे ही उद्योग केंद्र चलाए जाते हैं, संस्कार केंद्र चलाए जाते हैं, छात्रावास चलाया जाता है, ये सभी ऐसे माध्यम है कि जो डायरेक्टली जो समिति के कार्य में नहीं आ रहे हैं उनके साथ जुड़ने का ही एक प्रयत्न उसके द्वारा हो रहा है। और ये विभिन्न आयाम ऐसे ही है जो समाज के साथ जुड़ रहे हैं, विभिन्न कार्यक्रम भी होते हैं जिसके कारण हम अनेक लोगों से मिलते हैं, उनके साथ वार्तालाप होता है और अपने विचारों से जोड़ने का एक प्रयत्न उसके द्वारा भी हो रहा है। इसमें थोड़ा सा जोड़ना चाहूंगी कि संगठनात्मक दृष्टि से अपना एक विभाग है संपर्क विभाग, तो संपर्क विभाग के माध्यम से हम यह प्रयास करते हैं कि जो नित्य नियमितता से शाखा स्थान पर आकर अपने कार्य पद्धति से नहीं जुड़ सकते हैं या कार्य कार्य अपने वैश्य वैखरी से नहीं जुड़ सकते हैं मगर विचार से हमारे साथ है, ऐसे लोगों के साथ संपर्क बना के रखना और ऐसे लोगों को अपने विचारों से जोड़ना, इस कार्य के लिए संपर्क विभाग कार्यरत होता है। वैसे ही प्रचार विभाग भी कार्यरत होता है
तो इन दोनों विभागों के माध्यम से, जैसा आपने प्रश्न पूछा है कि जो शाखा स्थान पर नहीं पहुंच सकते हैं, ऐसे लोगों के साथ और सेवा कार्य के माध्यम से बहुत सारे समाज के अन्य अन्य हिस्से, प्रतिष्ठित और नीडी, ऐसे दोनों तरीके के लोगों के साथ संपर्क बना के रखना और उनको अपने विचारों से जोड़ना, विशेषतः महिलाओं को अपने विचारों के जोड़ने का प्रयास अविरल चलता रहता है। धन्यवाद अलका जी। मुझे और एक प्रश्न आपसे पूछना है कि क्या कुछ इंटरनेशनल प्रेजेंस है सेवा समिति, सेविका समिति का, और क्या कुछ शाखा है आउटसाइड ऑफ इंडिया जहाँ पे कुछ एक्टिविटीज किए जाते हैं सेविका समिति के? अच्छा प्रश्न पूछा है आपने। राष्ट्र सेविका समिति की विदेशों में, यानी भारत छोड़ के अन्य देशों में कहीं भी ब्रांच नहीं है, शाखा यानी ऑर्गेनाइजेशनल ब्रांच नहीं है, मगर कुछ महिलाएं या कुछ सेविकाएं जब यहाँ भारत में थी और उन्होंने राष्ट्र सेविका समिति का प्रशिक्षण लिया है, ऐसी सेविकाएं जब विदेशों में वास करती है, निवास करती है, तो उनको लगता है कि यहाँ के देशों में भी हिंदू संगठन की आवश्यकता है, और इसलिए वहां का जो एक कार्य चलता है विविध नामों से चलता है, कहीं हिंदू सेविका समिति नाम से चलता है, कहीं हिंदू स्वयंसेवक संघ के नाम से चलता है, जो कार्य पद्धति के दृष्टि से लगभग सिमिलर है, ऐसा ही है, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कहूंगी क्योंकि मायने बदलते हैं और शब्दावली बदलती है, मगर लगभग ऐसी ही कार्य प्रणाली अपनाते हुए वहां भी, यानी भारत के बाहर भी अनेक देशों में सेविका कार्यरत है, मगर फिर भी मैं ऑफिशियली राष्ट्र सेविका समिति की कहीं भी कोई ब्रांच नहीं है, ऑफिशियली कोई ब्रांच नहीं है, मगर यहाँ से प्रेरणा लेकर और वहां से जुड़ने के बाद भी प्रेरणा लेकर के बाहर के देशों में भी हिंदू संगठन के कार्य में जुड़ी हुई है और अपना योगदान बहुत ही अच्छी तरह से दे रही है, सेवा कार्यों के माध्यम से भी जुड़ी है, प्रत्यक्ष शाखा कार्यों के माध्यम से भी जुड़ी है, अन्य अन्य सेमिनार या कुछ विशेष कार्यक्रम ऐसे माध्यम से भी वो अपने विचारों से जुड़ी हुई है। जैसे आपने बताया, मैंने खुद कि मैं जब नाइजीरिया में रहती थी तो वहां पे काफी लोग जुड़े हुए थे जो सेविका समिति के अंडर का जो कार्य होता था उसके इनिशिएटिव्स करते थे, हिंदू समाज को जोड़ते थे, और आरएसएस के साथ भी, वहां का जो लोकल आरएसएस था उनके साथ भी काफी एक्टिविटीज ऑर्गेनाइज करते थे। मुझे लगता है एक शब्द प्रयोग यहाँ ठीक करना पड़ेगा, वहां भी आरएसएस की कोई ब्रांच नहीं है, हिंदू स्वयंसेवक संघ के नाम से ही काम चलता है। थैंक यू अलका जी। इसी से लग के एक अगला प्रश्न है जो मैं सुनीला जी से पूछना चाहूंगी। जी, सेविका समिति का राष्ट्रीय स्वयं सेवी संघ आरएसएस के साथ में क्या एग्जैक्ट रिलेशन है, क्योंकि दोनों बहुत सिनोनिमस वर्ड्स है, साथ में लिए जाते हैं दोनों संस्थाओं के नाम, तो टेक्निकली क्या है उसका? टेक्निकली भी नहीं कहना ठीक नहीं है, सभी दृष्टि से कह सकती हो। जैसे कि समिति के प्रारंभ के विचार रखते समय अलकाताई ने कहा कि पूजनीय डॉक्टर जी के साथ उनका विचार विमर्श हुआ था, जो कि संघ के संस्थापक रहे, तो वहां से लेकर आज तक एक तरह से हम कह सकते हैं कि भाई बहन का रिश्ता है, लेकिन दूसरा अर्थ ऐसा ही है कि समिति यह एक स्वतंत्र संगठन है, हम वैचारिक आदान प्रदान करते हैं, अपने एक दूसरे के कार्यक्रम के लिए संपूर्ण सहयोग देते हैं, लेकिन कोई किसी पर प्रेशर टैक्टिक्स का उपयोग नहीं करता है, निर्णय लेने के लिए हर कोई संगठन स्वतंत्र है, और इस दृष्टि से हम सहकार्य भी करते हैं और स्वतंत्रता भी रखते हैं, इस प्रकार के हमारे संबंध है, जैसे कि मैंने वर्णन किया पहले, भाई बहन जैसा नाता है। बहुत अच्छा डिस्क्रिप्शन था भाई बहन का नाता, describes the relationship perfectly. अगला question curiosity का है, और ये मैं अलका ताई से और आप दोनों से पूछना चाहूंगी।
आप लोगों को क्या मोटिवेट किया सिरका समिति से जुड़ने के लिए, और अपना इतना सारा अपने जीवन का समय आप और अपना एनर्जी के अंदर देते हैं इस गोल, इस ध्येय के पीछे, क्या मोटिवेटिंग फैक्टर रहा आप दोनों के लिए? हाँ, हम दोनों भी इस प्रश्न का उत्तर जरूर देंगे। शुरुआत मैं करती हूँ और बाद में सुनीला जी भी बताएगी। बहुत ही छोटे छुटपन में, यानी बचपन में ही मैं इस कार्य से जुड़ी, ऐसा कह सकती हूँ कि मेरे माँ की उंगली पकड़ते हुए मैंने शाखा में प्रवेश किया। और जब हम बहुत छोटे होते हैं तो ज्यादा सोचते नहीं है कि किस लिए हम जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। एक मानसिक आनंद वहां मिलता था और उस आनंद के लिए जाना आरंभ हो गया। मगर धीरे धीरे मेरी माँ की इस संगठन के प्रति जो निष्ठा थी, मेरे पिताजी भी संघ के कार्यकर्ता रह चुके हैं, तो मेरे पिताजी का ध्येयवाद था। और मैं भाग्यवान हूँ कि वंदनीय मौसी जी का प्रत्यक्ष सहवास, वंदनीय मौसी जी यानी वंदनीय लक्ष्मीबाई जी केळकर, इनका प्रत्यक्ष सहवास भी मुझे प्राप्त हुआ। तो इन तीनों का एक टोटल इफेक्ट मेरे मन पर ऐसा हुआ कि मैं इस संगठन के प्रति खींची चली आई और मेरे जीवन का यह एक भाग बन गया। जैसे हम रोज के सारे व्यवहार करते हैं, जैसे घर की सारी जिम्मेदारियां निभाते हैं, उतनी ही सहजता से हम संगठन के कार्य करने में अपने आप को कोई कठिनाई है ऐसा हमें कभी लगा नहीं, मुझे कभी लगा नहीं, और वो जीवन का एक अविभाज्य अंग बन के रह गया। और आगे चलकर जब समझ आई तो धीरे धीरे इस संगठन की जो संगठन का जो तात्विक अधिष्ठान है, उस तात्विक अधिष्ठान को मेरे मन ने स्वीकार लिया और इस तात्विक अधिष्ठान के कारण ही प्रभावित होकर वही मेरी प्रेरणा रही। और उसी की जो कार्यशैली है, कार्य वैखरी जो है, उस कार्य वैखरी से भी मैं प्रभावित हुई। जैसे सुनीला जी ने कार्य वैखरी को बताया है कि शाखा प्रथम यूनिट है, मगर शाखा के बाद धीरे 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 पूरा एक स्ट्रक्चर खड़ा होता है जहां हमें विचार प्रकट करने की, नए प्रयोग करने की स्वतंत्रता भी है, मगर ध्येय से हम बिल्कुल विचलित नहीं होते हैं। यह जो एक कार्य प्रणाली है, उस कार्य प्रणाली ने ही हमें मोटिवेट किया, मुझे मोटिवेट किया है, और इस अधिष्ठान उसका भी मेरे ऊपर बहुत प्रभाव रहा है और यही मेरी प्रेरणा है। मेरे अभी लगभग वैसा ही हुआ है। हमारे घर में, यानी कि मेरे मायके में और ससुराल में सभी कार्यकर्ता ही है, तो दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था एक तरह से सोचे तो। और एक बात यह है कि दादी माँ जो मेरी थी, तो उनके कारण प्रथम समिति ने प्रवेश किया, यानी कि एकदम पहले वाली अवस्था में। तो उसके बाद मेरे पिताजी, मेरी माता जी, मेरे चाचा जी प्रचारक है आज भी संघ, तो सभी के सभी इसी प्रकार के लोग, घर में आने वाली मौसी, चाची, चाचा, सबके सब संघ में है। और वो प्रश्न ऐसा ही पूछते थे, क्या आप शाखा में गई हो? दूसरा कोई नहीं था, जो बाल्य में समझ भी नहीं थी उस समय भी, शाखा में जाना यही एक पर्याय था। और अच्छा ही पर्याय था कि हम कब बड़े हुए, कब अपना आप नेतृत्व करने लगे, जो आज बहुत बातें चलती है, महिला नेतृत्व, महिला सक्षमीकरण वगैरह वगैरह। तो समिति एक ऐसा माध्यम है, हम दोनों ही नहीं तो ऐसे अनेक सारे सेविकाएं आपको मिलेगी कि जो पता नहीं तब से तैयार हो गई, पता नहीं ऐसे उनके ऊपर संस्कार हो गए कि वो अपने आप नेतृत्व करने लगी, अपने आप उसके अंदर का आत्मविश्वास बढ़ने लगा। जो पहलू आज हम विकसित एक महिला के साथ जोड़ना चाहते हैं, या हम जिस रूप में महिलाओं को देखना चाहते हैं, उसका एक सही आकलन, सही माध्यम अगर कोई है तो राष्ट्र सेविका समिति है। ये बाद में पता चला, पहले हम निर्माण हो गए। और ऐसी अनेक सारी सेविका, हम तो प्रातिनिधिक है, लेकिन अनेक सारी सेविकाएं इस प्रकार से आपको मिलेगी कि प्रत्येक गुण का उसके अंदर एक प्रकार से सुसंस्कार हुआ है और निर्माण हुआ है, जो समिति वही चाहती है। और पता नहीं तो हम विचारों के साथ जुड़े गए, फिर कृति के साथ जुड़े गए, या पहले कृति के साथ जुड़े गए, इसमें जाने में कोई अर्थ है ऐसा मुझे नहीं लगता है। लेकिन आज तक हमें ऐसा कभी नहीं लगा कि गलती से यहाँ आए,
हमें ऐसा ही लगता है कि यह अभिमान का विषय है कि हम राष्ट्र सेविका समिति के कार्यकर्ता हैं। धन्यवाद अलका जी और सुनीला जी, आपकी ये पर्सनल जर्नी सुनकर हमारी काफी ऑडियंस को भी प्रेरणा मिलेगी और हम सब प्रभावित होंगे कुछ धैर्य रख के सोसाइटी के लिए काम करने के लिए। अलका जी, मेरा नेक्स्ट प्रश्न आपसे है। मैं पूछना चाहूंगी कि समिति का आगे जाके आप 10-15 साल में आप क्या रूप देखना चाहेंगे और आप क्या सोच रहे हो कि आगे जाके क्या लॉन्ग टर्म विजन है जो समिति खुद के लिए बना के रखा है। बहुत अच्छा, आपने आपके प्रश्न में ही दो शब्दों का प्रयोग किया है। एक है आगे आने वाले यानी नजदीक का भविष्यकाल, नियरेस्ट फ्यूचर, और दूसरा उसका शब्द का प्रयोग किया है कि लॉन्ग टर्म फ्यूचर, लॉन्ग टर्म विजन क्या रहेगा। तो मुझे लगता है लॉन्ग टर्म विजन की जब हम बात करते हैं तो समिति के आरंभ के काल से ही एक बहुत बड़ा लॉन्ग टर्म विजन समिति के सामने रखा हुआ है। समिति के जो उद्गाता रहे, समिति का जिन्होंने प्रारंभ किया या आरंभ के जो कार्यकर्ता बहने थी, उन सभी ने सोचकर एक ऐसा विजन हमें दिया हुआ है कि जिस जो विजन कई सालों तक हमारे आंखों के सामने प्रखर सूर्य के समान हमें दिखता रहेगा। और वह विजन ऐसा है जो हमारा ध्येय है, तेजस्वी हिंदू राष्ट्र का पुनर्निर्माण। और ये एक एक शब्द जो है वो हमारे विजन को प्रस्थापित करने वाला, हमारे विजन को स्पष्ट करने वाला है। हमें अपने राष्ट्र का पुनर्निर्माण करना है क्योंकि यह राष्ट्र तो सनातन है, मगर बीच के कालखंड में शायद संघर्ष के कारण होगा 1000 वर्ष से अधिक वर्ष तक अपना समाज जो है वह अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष करता रहा, तो समाज के नैतिक मूल्यों मूल्य में कुछ ह्रास, उसका कुछ ह्रास होना स्वाभाविक था। तो वो जो स्खलन हुआ था तो उस स्खलन को उसको निकालते हुए उसको पुनः एक प्रतिष्ठित राष्ट्र, एक अत्यंत संपन्न समृद्ध राष्ट्र के नाते उसे पुनर्प्रस्थापित करना, यह एक बहुत बड़ा विजन लेकर ही समिति कार्य कर रही है। अर्थात वो बड़े विजन को साकार करने के लिए हमें छोटे छोटे मिशंस तो लेने ही पड़ते हैं। कई कई मिशन हम 3 वर्ष के लिए लेते हैं, कोई 4 वर्ष के लिए ले लेते हैं। ऐसे ही 10-15 वर्ष का जो आपने स्पैन बताया है, तो आगे आने वाले 10-15 वर्ष में हम समिति के कार्य को सर्वव्यापी सर्वस्पर्शी करने के दृष्टि से अनेक प्रकार का चिंतन हम कर रहे हैं। हम यानी हमारी जो कार्यकारिणी होती है, जैसे सुनीला जी ने बताया कि अपने कार्यकारिणी में अनेक कार्य विभाग होते हैं, तो बौद्धिक दृष्टिया महिला को सक्षम करने के लिए बौद्धिक कार्य बौद्धिक विभाग कार्यरत होता है, महिला को स्वस्थ सुदृढ़ बनाने के लिए शारीरिक विभाग कार्यरत होता है। तो इन ऐसे अनेक कार्य विभाग जो है, मैं एक दो का सेवा विभाग है, प्रचार विभाग है, संपर्क विभाग है, तो इन सब की मिलकर जो टोली बनती है, तो ये टोली ने हमने मिलकर कुछ योजनाएं बनाई है। जैसे अभी इसी समय में 7 दिन के लिए अपना एक योग सप्ताह चल रहा है और जिसमें सारे भारत के हर प्रांत से, हर जिले से लगभग बहुत सारी सेविकाएं नेतृत्व दे रही है कि समाज से अनेक परिवार इसमें जुड़े। अभी एक छोटा सा उदाहरण मैंने दिया कि किस तरह से कार्य विस्तार की योजनाएं हम बना रहे हैं। यदि कार्य को सर्वस्पर्शी बनाना है, सर्वव्यापी बनाना है, तो समाज के अलग अलग स्तर के बारे में हमें चिंतन करना पड़ेगा। तो समाज का जो ग्रामीण क्षेत्र है वहां तक भी हमें पहुंचना है। ग्रामीण क्षेत्र में हम पहुंचे हैं मगर फिर भी वहां अपनी उपस्थिति और अच्छी हमें करनी है और अधिक मात्रा में वहां कार्य करना है, इसलिए ग्रामीण क्षेत्र के लिए भी कुछ योजनाएं हमारी बन रही है। वैसे ही समाज में जो युवा क्षेत्र होता है, बहुत बड़ी शक्ति है वो, और इस शक्ति को राष्ट्र के लिए प्रेरित करना और उनको राष्ट्र प्रवाह में अपना योगदान देने के लिए कुछ अच्छा एक कार्यक्रम देना, इस दृष्टि से भी हम कुछ योजनाएं बना रहे हैं। समाज में आज एक वर्ग ऐसा है, यानी महिलाओं के बारे में मैं बात कर रही हूँ, कि जो घर गृहस्थी भी संभालती है और बाहर अपना करियर भी करती है, तो
तो इन दोनों को बैलेंस करते हुए उसको तीसरा आयाम जोड़ना, यानी कुछ सामाजिक कार्य करने के लिए उनको प्रेरणा देना, क्योंकि आज समाज की अपेक्षा है, आवश्यकता है। तो ऐसी यह जो शक्ति है, जो वेल एजुकेटेड हम बोल सकते हैं, अच्छे संस्कारित है महिलाएं, उनको भी समाज कार्य में जोड़ना, इसके लिए भी कुछ नए नए प्रयोग, नए नए कार्यक्रम हम सोच रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आगे आने वाले 10-15 वर्षों में राष्ट्र सेविका समिति की आयु, एक संगठन की आयु 100 वर्ष तक, उसकी मानी काल प्रवाह जो है उसमें वो 100 वर्ष पूरा करेगी। तो जब 100 वर्ष पूरे होते हैं एक संगठन को, तो लगता है कि कुछ तो उसका प्रभाव दिखना चाहिए और वह अवश्य दिखेगा, क्योंकि अभी जो योजनाएं बन रही है अपनी, उन योजनाओं के माध्यम से हमें विश्वास है कि आने वाले 10-15 वर्षों में समाज के हर स्तर में अपना कार्य पहुंच जाएगा, हर समाज के हर क्षेत्र से महिलाएं समाज को नेतृत्व देने के लिए आगे आएगी, और अपना जो राष्ट्र है, यह राष्ट्र एक सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र, विश्व में सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र बनेगा। समाज के हर व्यक्ति को राष्ट्र सर्वोपरि, ऐसा विचार हर व्यक्ति के मन में प्रस्थापित हो जाएगा, यही आगे आने वाले 10-15 वर्षों का हमारा विजन रहेगा। और उसी दृष्टि से एक मिशनरी झील लेकर हमारी कार्यकर्ता बहनें कार्य क्षेत्र में उतरने वाली है। मैम, मेरा अगला आप, क्योंकि एक टाइम पे शाखा की शारीरिक प्रमुख भी रह चुकी है, तो ये मैं जानना चाह रही थी कि क्या संघ की शाखाओं की तरह ही होती है समिति की शाखा है, क्या समिति की शाखाओं में भी फिजिकल एक्टिविटीज कराई जाती है जैसे कि संघ की शाखाओं में कराई जाती है, तो क्या होता है मतलब? बिल्कुल, आपने एकदम अच्छा प्रश्न पूछा है कि जैसे आरंभ में ही सुनीला जी ने बताया कि लगभग प्रमुख समिति की हाँ, वही मैं बता रही हूँ, बताने का प्रयास कर रही हूँ कि जैसे संघ की शाखा में भगवा ध्वज लगता है, उसके सामने कुछ शारीरिक अभ्यास भी होता है, बाद में वैचारिक आदान प्रदान भी होता है, और उसके बाद कुछ खेल वगैरह होते, और बाद में प्रार्थना के साथ शाखा समाप्त होती है। वैसे ही समिति की शाखा में भी भगवा ध्वज लगता है, भगवा ध्वज के सामने शारीरिक अभ्यास होता है। अभी मैंने उल्लेख किया कि योगासन के वर्ग चल रहे हैं, शिविर चल रहा है पूरे भारत में, ऑनलाइन शिविर चल रहा है, और वैसे ही हम केवल योगासन ही नहीं तो दंड, व्यायाम पद्धति, समता, इस तरह के योगचाप यानी लेजिम, इस तरह के अन्य अन्य शारीरिक के विषयों का हम अभ्यास करते हैं। इसके लिए वर्ग, प्रशिक्षण वर्ग भी लगते हैं, और प्रशिक्षण वर्ग में भी इसका प्रशिक्षण दिया जाता है, और उसके साथ साथ, यानी आपने शारीरिक के बारे में पूछा, मैं पूरा बता रही हूँ, और उसके साथ साथ बौद्धिक क्षमता बढ़ाने के लिए भी कार्यक्रम होते हैं। यानी जैसा आपने प्रश्न में ही पूछा कि संघ के शाखा के जैसे ही आपकी शाखा लगती है क्या, तो बिल्कुल लगती है, और शारीरिक को उतना ही महत्व जितना संघ में दिया जाता है, उतना ही महत्व समिति में भी दिया जाता है। और जैसे आपने संघ के पथ संचलन देखे होंगे, वैसे ही राष्ट्र सेविका समिति के भी सघोष घोष के साथ पथ संचलन होते हुए आपने देखे ही होंगे, वही शारीरिक का ही एक भाग है। और इस तरह से शारीरिक दृष्टिया यदि हम सक्षम है, हम समर्थ है, हम यानी महिलाएं, तभी हम अपने परिवार को एक अच्छा नेतृत्व दे सकेंगे। इसलिए शारीरिक स्वास्थ्य शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, शारीरिक स्वास्थ्य अतिशय महत्वपूर्ण है, और उसके तरफ हम बिल्कुल ध्यान देते हैं, और उसके लिए हम प्रयासरत भी है, तो शारीरिक अपने कार्य का एक अविभाज्य अंग है। आपका म्यूट है, म्यूट है शायद। अगला प्रश्न आप सुनीला जी से है। संघ के बारे में नेशनल डिस्कोर्स में संघ का एक संघ की एक महत्वपूर्ण भूमिका है, अक्सर सुना करते हैं कि संघ ने ये स्टांस लिया, तो नेशनल डिस्कोर्स को लेके सेविका समिति का क्या स्टांस है, वो थोड़ा समझना चाहेंगे आपसे।
एक तो थोड़ा सा समझने का विषय यह है कि समिति के सामने दो प्रकार के आह्वान है, एक है वैचारिक दृष्टि से और दूसरा है संख्यात्मक दृष्टि से। जैसे मैंने बताया आपको कि समिति की संख्यात्मक स्थिति जो है, यद्यपि संपूर्ण भारत में फैला हुआ समिति का काम है, परंतु शक्ति के दृष्टि से अगर देखें तो वो जितने मात्रा में सुसंगठित अवस्था में महिलाओं ने आना चाहिए उतनी मात्रा में हम नहीं है, उतनी मात्रा में भारत भर है, ये पॉजिटिवनेस है, लेकिन दिखना चाहिए ऐसा जो आपको लग रहा है वो हमें भी लगता है कि दिखना चाहिए, लेकिन एक संख्यात्मक दृष्टि से वो एक स्थिति है कि महिला अनेक सारी गतिविधियों से इतनी जुड़ी हुई होती है कि अलग से समय निकाल कर बाहर आना उसके लिए थोड़ी कठिनाई पैदा होती है उसके दृष्टि से जीवन में। दूसरी बात यह है जो है वैचारिक दृष्टि से, वो इस प्रकार से है कि महिला विषय को लेकर अनेक सारे विचार प्रवाह जो दुनिया में भी और भारत में भी कार्यरत है, उसमें एक पहले से ही स्थापित ऐसा नैरेटिव है जो कि भारतीय संस्कृति में महिलाओं का स्थान इस प्रकार से रहा है कि जो कि महिलाओं को अंदर ही ढकेल देता है, इस घर के अंदर बंद करने वाला इस प्रकार सा है, जिसका सामना संघों को नहीं करना पड़ा। समिति के सामने ये आह्वान है कि भारतीय संस्कृति पर आधारित विचार सबको सामने लेकर जाना है, स्त्री हमारी ऐसी हो जो कि भारतीय विचारों से युक्त हो, भारत के लिए काम करने वाली हो और भारत को तेजस्वी बनाने के दृष्टि से वो यत्न कर रही है। तो इस एक वैचारिक आह्वान जो स्त्रीवादी विचारों से युक्त होकर मुक्तता से फैला है, उसकी जगह भारतीय विचारों पर आधारित विचार को स्थापित करना, विमर्श देना, ये एक विषय है। और दूसरा, जैसे मैंने बताया कि संख्यात्मक है, तो कुछ दिन बाद, कुछ वर्ष बाद और अधिक हमें प्रयत्न करने पड़ेंगे। और जैसा मैं भी चाहती हूँ और आप भी चाहते हैं कि अपने आप राष्ट्र सेविका समिति का नाम आएगा। डिस्कोर्स की बात के दृष्टि से मैं कहूंगी अवश्य कि संस्कृति से प्राप्त हुए विचार, मतलब कौन से विचार, तो जो जैसा पुरुष है वैसी ही स्त्री बने, इस दृष्टि से हम कार्य करने वाले नहीं है। तो एक अगर स्लोगन के रूप में सोचे तो नारी शक्ति की जगह हम मातृ शक्ति इस शब्दों को स्थापित करना चाहते हैं कि जो अपने आप में एक अच्छे पद्धति से प्रकट हो ये स्त्री, ऐसा हमारा प्रयत्न चलता है। तो ये दोनों चैलेंजेस हमारे सामने है, तो कुछ वर्ष और लगेंगे, लेकिन हमारे सबका विश्वास है और आपको, आप भी विश्वास कर रखे, ऐसी मेरी प्रार्थना रहेगी कि पूरे वातावरण में भारतीय संस्कृति से युक्त समिति का नाम भी आएगा और समिति का काम भी अपने आप सबके सामने आ जाएगा। मैम, लुकिंग एट द लीडरशिप, मैं बहुत श्योर हूँ और मुझे इस बात का विश्वास है कि बिल्कुल ऐसा ही होगा। थैंक यू। एक अगला, फिर क्योंकि हम महिला सशक्तिकरण और मातृ सशक्तिकरण की बात कर रहे थे, तो अब रिसेंट में काफी पॉजिटिव बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस को महिलाएं लीड कर रही है, चाहे वो कॉरपोरेट हो या पॉलिटिक्स हो। फॉर एग्जाम्पल, अभी रिसेंट में एबीवीपी जो एक संघ से ही निकला हुआ ऑर्गेनाइजेशन है, उसको भी एक महिला हेड कर रही है। तो क्या आप देख रही है ये अब ट्रेंड बढ़ेगा और ज्यादा से ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन में महिलाएं स्लैश मात्र भी लीड करेगी पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर? नहीं, ये हाँ, इसका हाँ उत्तर, उसका उत्तर मैं देना चाहूंगी कि आपने अभी जो बताया जी कि मैम, विद्यार्थी परिषद, हाँ विद्यार्थी परिषद में अखिल भारतीय स्तर पर आज एक महिला उसको नेतृत्व दे रही है, ऐसा नहीं है, आज ही ऐसा हुआ है, ऐसा नहीं है। बहुत सालों से राष्ट्र मैंने भारतीय अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में महिलाएं कार्यरत है और उपाध्यक्ष का स्थान, सेक्रेटरी का स्थान महिलाओं ने विभूषित किया है। आज भी जो आप बात कर रही है वो अखिल भारतीय सेक्रेटरी जो है, जिसको कहते हैं हम आपने आपके परिभाषा में,
तो ऐसा जो स्थान है वो महिला के पास है, यह सत्य है। और ऐसे अनेक संगठन है जो संघ के तत्वाधान में, यानी संघ का तात्विक अधिष्ठान जो है, उस तात्विक अधिष्ठान को लेकर समाज में विविध आयाम में काम कार्यरत है, उन सभी में महिलाओं का सही सहभाग है और सभी में अनेक दायित्व युक्त स्थान पर महिलाएं आज कार्यरत है। जैसे किसान संघ में भी उपाध्यक्षा महिला है, मजदूर संघ में है, विवेकानंद केंद्र में है, अनेक स्थानों में उपाध्यक्ष के स्थान पर महिलाएं देख सकते हैं। यह आनंद की बात है, मगर मैं ऐसा नहीं मानती हूँ कि केवल यह परिवर्तन आने से सब कुछ ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं है। जब जहां जैसी आवश्यकता हो वैसे व्यक्ति ने वहां कार्य करने की आवश्यकता है। जैसे सुनीला ने बताया अभी कि स्त्री मुक्तिवादी जो एक विचारधारा अपने समाज में चल रही है, इसी से ये प्रश्न उत्पन्न होते हैं कि क्या संगठन के प्रमुख कौन है, क्या महिला है क्या, यानी उस संगठन में महिलाओं को मान्यता है, ऐसा एक परिमाण हम मानते हैं। ऐसा नहीं होता है कि जहां जिस व्यक्ति की आवश्यकता हो वहां उस व्यक्ति को वह दायित्व दिया जाए, इसी से संगठन का कार्य बढ़ता है। अवश्य महिलाओं ने सभी संगठनों में भाग सहभागी होना चाहिए, अवश्य सभी ने अनेक तरह के दायित्व निभाने चाहिए, मगर वह एक ही परिमाण नहीं रहना चाहिए कि क्या महिला कौन से पद पर है। महिला सहभागी है या नहीं है, कितना अपना योगदान दे रही है, उसकी क्षमता बढ़ाना, तभी समाज में परिवर्तन आ सकता है। और थोड़ा सा जोड़ना है तो मैं तो ये कहूंगी कि समिति अपने आप में महिलाओं का नेतृत्व है, महिलाओं का ही सहभाग है और प्रत्येक विषय में काम करते हैं, विचार रखती है, और क्या चाहिए आपको। समिति ये संगठन ही अपने आप में ऐसा है जो महिलाओं को ही आगे बढ़ाने के लिए कार्यरत है, कार्य महिलाओं में करता है, विचार पूरे देश का करता है, पूरे समाज का करता है। धन्यवाद। जैसे श्रेया ने भी बताया कि आप जैसी लीडरशिप के नेतृत्व में समिति के लिए हम काफी आगे जाके 10-15 साल में बहुत ही ब्रिलियंट विजन देख रहे हैं आगे जाके। पर मेरा और एक प्रश्न है इसके रिगार्डिंग ही। तो आजकल हम बहुत चर्चा सुन रहे हैं एक टॉपिक की, और वो है 50% वुमेन्स रिजर्वेशन बिल। तो मैं जानना चाहूंगी कि इस पर आपके क्या विचार है सुनील। समिति के विचार, एक तो दो प्रकार से इस पर विचार किया जा सकता है। जब आरक्षण के नाते हम देखते हैं तो स्थानिक स्वराज्य संस्थाओं में जब आरक्षण दिया गया तो एक अचानक से गतिविधि बढ़ती गई, महिलाएं अनेक सारे विषयों पे आगे आई और बड़े सुपरिणाम दिखने लगे ग्राम ग्राम तक। ये एक पहल अवश्य हुई है। धीरे धीरे उसी मांग को आगे बढ़ाते समय ये जहां कानून या एक तरह से सच में कहे तो निर्णय प्रक्रिया जिसको बोलते हैं, तो वहां पर भी महिलाओं का आरक्षण होना चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये विषय मुख्यतः पॉलिटिकल है और राष्ट्र सेविका समिति ये सामाजिक और सांस्कृतिक संगठन है, और इसलिए हम चाहते हैं कि केवल राजनैतिक दृष्टि से ही आरक्षण की बात क्यों हो रही है, तो सामाजिक दृष्टि से विचार करें तो महिला सक्षमीकरण, ये भी शब्द पर पुनर्विचार करना आवश्यक है। लेकिन महिलाओं की शक्ति बढ़े, अंतर्याम की शक्ति बढ़े और प्रत्येक विषय में वो आगे आए, जैसे कि किसान क्षेत्र है, कृषि क्षेत्र है, तो आरक्षण राजनैतिक मांगना और कृषि क्षेत्र का क्या करना, औद्योगिक क्षेत्र है तो जो भी कुछ, शैक्षणिक क्षेत्र है, शिक्षाविद में महिलाओं की संख्या बढ़े ये समिति चाहेगी। समिति कृषि तज्ञता में भी महिलाएं आगे बढ़े ये समिति अवश्य चाहेगी। समिति ऐसा चाहती है कि एक भी आयाम या एक भी जगह ऐसी न रहे कि वहां महिलाओं का स्थान ही नहीं केवल, तो उसका मान अपने कृति से, अपने विचारों से, वो प्रगल्भता से व्यक्त हो। और समिति का काम ही इस प्रकार का है कि वो सभी दृष्टि से सभी आयामों पर आगे आए, और इसलिए हम हाँ या ना में उसका उत्तर नहीं देना चाहते हैं
क्योंकि हमारा संगठन सामाजिक दृष्टि है और हम ये अवश्य आग्रह पूर्वक ये कहते हैं कि प्रत्येक आयाम में केवल महिला नहीं तो वो सबका सब तेजस्वी हो, आगे बढ़े, भारत का अच्छे से अच्छा पद्धति से काम करने युक्त प्रत्येक स्त्री पुरुष अपना जीवन का निर्वाहन करे, यह हमारी सोच है। दूसरा एक बात अगर राजनैतिक दृष्टि से कहे तो हम तो ये कहेंगे कि केवल फोकस पॉइंट आरक्षण आरक्षण ये बना जो है वो विदेशी या जो भी कुछ स्त्रीवाद है, तो जो कि संख्यात्मक समानता चाहता है, हम संख्यात्मक समानता पर फोकस नहीं करते हैं, हम अकाउंटेबिलिटी पर फोकस करते हैं। जो लोक प्रतिनिधि है वो अपने पद का उपयोग किस प्रकार से करते हैं, उसका दायित्व कौन उठाएगा, उसका प्रशिक्षण कौन देगा, इस पर फोकस करना चाहिए। और कम से कम राष्ट्र सेविका समिति जो भी कुछ महिला जिस किसी क्षेत्र में है वो अपने देश की उन्नति के लिए काम करे, अपने समाज के उन्नति के लिए काम करे, इस प्रकार का प्रयत्न करते हैं। इस प्रकार से वैचारिक और सहकार्यता के दृष्टि से भी हम आगे बढ़कर काम कर रहे हैं। विभिन्न शासनों के साथ भी संपर्क बनाया हुआ है और उनको ये भी हम कह रहे हैं कि इस प्रकार की नीति का आप अगर प्रयोग करेंगे तो उसका सभी समाज की लिए उपयोगिता बढ़ेगी, उसकी उपयोगिता बढ़ेगी। तो अनेक प्रकार से इस विषय के ओर हम ध्यान देते हैं, हमारा फोकस पॉइंट वो नहीं है। धन्यवाद सुनीला जी, आपने इतने क्लैरिटी से पर हमें स्टांस समझाया कि क्या स्टांस है रिजर्वेशन बिल पे। और एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन हमारे व्यूअर्स को भी है तो वो मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि एक सेविका का दिन कैसा रहता है, उनका डे टू डे रोज का शेड्यूल कैसा रहता है जब वो राष्ट्र सेविका समिति से जुड़ते हैं। जैसा मैंने अभी आपको कहा वह फोकस पॉइंट राजनीति नहीं है, परंतु सेविका का फोकस पॉइंट यह रहता है कि समाज सुदृढ़ बने, समिति की शाखा अच्छी से अच्छी चले, और इसलिए उसकी और अन्य लोगों की दिनचर्या ऐसी नहीं है कि बहुत कुछ अलग अलग है, लेकिन फोकस पॉइंट में अंतर है। अगर किसी महिला का फोकस पॉइंट कब मॉल खुलेगा और कब मैं वहां जाऊंगी ऐसा होगा तो हो सकता है कि उसमें गलती नहीं है, परंतु सेविका का फोकस पॉइंट ये होगा कि ये लॉकडाउन कब निकलेगा और मैं कब शाखा का दर्शन कर लूं, क्योंकि उसमें अवश्य अंतर है। दूसरी बात कि उसके अनुसार दिनचर्या बनती है, तो कब कौन से काम को निपटाना, कब आगे जाना, ये सोचकर अपने अपने प्रांत या स्थान के अनुसार उसमें थोड़े थोड़े परिवर्तन करने आते हैं। जैसे कि पहले ही से ही मैं कह रही हूँ, हम दोनों कह रहे हैं कि शाखा ये हमारा मुख्य केंद्र है, तो अगर सायं शाखा नहीं चल रही है, संभव नहीं हो रहा है, तो प्रातः शाखा कुछ प्रांतों ने लगाना शुरू किया, कुछ प्रांतों ने केवल जो तंत्र शिक्षण में या ऐसे किसी की जिनको रोज आना संभव ही नहीं है तो उनके लिए रात्र शाखा का प्रयोग करना शुरू किया, तो कुछ लोगों के लिए परिवार मिलन जैसे भी कार्यक्रम करना आरंभ कर लिया। तो अनेक पद्धति से, लेकिन अपना कार्य सुसंगठित हो इसलिए सेविका अपने दिनचर्या में स्थान देती है। और एक मैं आपको बताना अवश्य चाहूंगी कि समिति में जैसे युवतियां हैं, गृहिणियां हैं, वैसा भी एक आयाम यह है कि जिनको हम प्रचारिका बोलते हैं। तो ये प्रचारिका कौन है, उनकी दिनचर्या क्या है, तो ऐसा समिति ने ये तो नहीं कहा है कि 4 बजे आपको उठना है और इस प्रकार से बंधनों से ही आपको जीवन जीना है, ऐसा कुछ समिति में होता नहीं है। वो अपने आप स्वयं शिक्षित ऐसी वो होती है जिन्होंने अपने घर परिवार का त्याग किया हुआ रहता है, और वो जब कार्यालय में सामान्यतः या किसी कार्यकर्ता के घर में उसकी व्यवस्था होती है, और वह पूर्ण समय तक यानी कि जो गृहिणी होती है वह घर का पारिवारिक काम भी देखती है, अर्थार्जन करना है तो उस आघाड़ी पर वो जाती है। 24 घंटे तो मन में देशभक्ति का विचार रहता है, ये तो निश्चित है। जो प्रचारिका है वो 24 घंटे विचार भी रखती है और उसके अनुसार कृति भी करती है।
तो पूरे भारत में आज इस प्रकार से काम करने वाली, जिसको पूर्ण काली के समझने वाला एक शब्द है, उसको हम प्रचारिका बोलते हैं। तो इस प्रकार से जीवन, संपूर्ण जीवन देने वाली जो कार्यकर्ता है, तो ऐसे दोनों प्रकारों से युक्त ऐसे समिति के संगठन के अंतर्गत कार्यकर्ता है। इसमें एक केवल मैं जोड़ना चाहूंगी कि जैसे आपने दिनचरी की बात की है, तो मैं ये अवश्य कहूंगी कि सभी सेविकाएं अपने स्वास्थ्य के लिए जो आवश्यक साधना है वह करने के लिए अपने पास में से समय निकालती है। वैचारिक क्षमता बढ़ाने के लिए कुछ अध्ययन के लिए भी आप समय निकालती है, और प्रत्यक्ष कार्य करने के लिए, कृति करने के लिए भी, जैसे आपने सुमित्रा जी ने बताया कि शाखा जाना है तो उसके लिए जो जो एडजस्टमेंट्स करनी है वो सारी एडजस्टमेंट्स वो कर लेती है, और शाखा यानी प्रत्यक्ष कृति के लिए भी वो समय निकालती है। तो अपना अपना अन्य जो दायित्व है उन दायित्वों के तरफ देखते हुए अपने आप में बैलेंस करते हुए, मगर जरूर वो अपने वैयक्तिक विकास के लिए भी कुछ समय देती है और सामाजिक योगदान के लिए भी कुछ समय देती है। थैंक यू मैम, बहुत अच्छा थॉट था, और ये शायद हम सबने इस चीज से सीखना चाहिए कि हर बिंदु पे हम, पर्सनली मैं भी ध्यान दूंगी कि हर एक बिंदु पे जिंदगी के इक्वली इम्पोर्टेंस देना चाहिए, सामाजिक, पर्सनल, शारीरिक, मानसिक, सब कुछ। सुनीला मैम से मेरा अगला प्रश्न है, तो सेवा भाव को आगे बढ़ाते हुए, ये जो कोरोना का अनफॉर्चुनेट स्थिति है हम लोग जिससे लड़ रहे हैं, इसमें सेविका समिति ने बहुत सारा काम किया है, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी अगर आप हमारे व्यूअर्स को बताएं कि एग्जैक्टली क्या काम किया है सेविका समिति ने, किस तरीके से किया है, और इवन वो मैं स्लाइड शेयर कर रही हूँ जिसके अंदर कार्य का एक संक्षिप्त दिया हुआ है। जी, जैसे इस स्लाइड में दिखाया गया है उसी प्रकार से, ये तो संख्यात्मक जानकारी आपके सामने आई है। मैं तो थोड़ा सा विश्लेषण इस प्रकार से करूंगी कि राष्ट्र सेविका समिति, ये अपने नाम में ही सेविका का भाव है, सेवा भाव है, और इसलिए सेवा भाव से काम करने के लिए आदेश की आवश्यकता कभी होती नहीं है। सेविका स्वयं प्रेरणा से आगे बढ़ती है, और ये सब कार्य जो आपको दिखाई दे रहा है तो वह उसी से युक्त ऐसा कार्य है। तो उसमें प्रमुखतः जिस प्रकार की आवश्यकता जिस प्रांत में ज्यादा है तो उस प्रकार का व्यवहार किया गया। मैं महाराष्ट्र में और पुणे में रहती हूँ, शुरू के आरंभ से लेकर हम रेड जोन से गुजर रहे हैं। तो हमारे कार्यकर्ताओं के लिए ये मनाही थी कि आपको आगे, यानी कि घर से बाहर जाकर कार्य करने के लिए अनुकूलता नहीं थी, बंधन थे। तो यहाँ के सेविकाओं ने सोचा कि हम क्या कर सकते हैं, तो घर घर में किट तैयार करके यंत्रणा को दे दिए, जो सहकार्यता से काम जो चल रहा है उनको दे दिए। और जहाँ प्रत्यक्ष रूप में, जैसे कि आसाम जैसा प्रांत है, एक और है भारतवर्ष के, तो वहां के सेविकाओं ने अनेक प्रकार से विचार किया, और वो बाहर जा भी सकती थी, वहां पहले तो स्थिति इतनी बिगड़ी हुई नहीं थी। तो वहां के सेविकाओं ने सोचा कि केवल मनुष्यों की सहायता करनी चाहिए ऐसा नहीं है, तो पशुओं की सहायता करने की भी आवश्यकता है। तो उन्होंने गो ग्रास का युक्त, आपके सामने स्लाइड में दिखा है कि 24,000 से ऊपर तक के किट्स, एक तरह से किट से कह सकते हैं, वह स्वयं जाकर उसका वितरण किया है। और वैसे ही जैसे अन्य अन्य पद्धति से हमने देखा है कि सेवा कार्य तो हो रहा है, लेकिन महिलाएं अनेक शारीरिक अवस्था से गुजरती है, जिसमें गर्भधारणा है और शैशवावस्था में बालक है, तो उस प्रकार से की स्थिति अलग प्रकार की होती है, आवश्यकता भी अलग प्रकार की होती है। इस सब को ध्यान में रखते हुए किट्स का निर्माण राष्ट्रीय सेविका समिति द्वारा किया गया है। प्रत्येक प्रांत का या प्रत्येक शहर का वहां की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए फोकस किया गया, और उसमें साम्यता एक थी कि प्रत्येक जगह पे मांस की आवश्यकता, और उसके लिए एक एक सेविका ने 10,000 तक की सिलाई करके सेवी दूसरे आपने बड़ी सेविका या बड़े कार्यकर्ता के हाथ पर दिया है। ऐसे कई सारे उदाहरण हैं।
और जितना अपने पास हो न हो लेकिन फिर भी किट्स के लिए जो आवश्यक है ऐसी सामग्री एकत्रित करके उन्होंने उसका वितरण जहां से हो रहा है वहां जाकर पहुंचाने की व्यवस्था की है। तो सबके लिए यानी कि कुछ लाख तक मास्क का निर्माण किया गया है। वैसे ही दूसरा कॉमन पॉइंट वो था वो औषधि औषधि का वितरण काढ़ा वगैरह का वितरण वो सब जगह पे किया है। गोग्राम केवल आसाम में हुआ नहीं हुआ है ऐसा नहीं एकदम राजस्थान में भी तो कुत्तों तक खिलाने की योजना बनी और उस प्रकार का व्यवहार भी किया गया है। तो सभी दृष्टि से जैसे कि पूरे प्रांत में भारतवर्ष में समिति के दृष्टि से 38 प्रांत है तो ऐसा एक भी प्रांत नहीं है कि जहां कुछ काम हुआ ही नहीं। प्रत्येक प्रांत ने समिति से जुड़े प्रत्येक प्रतिष्ठान ने इस प्रकार से कार्य किए हैं और जहां कुछ भी संभव नहीं था तो प्रधानमंत्री के कोष में जो निधि कोरोना के कारण एकत्रित किया गया तो उसमें बड़े भारी मात्रा में सेविकाओं द्वारा संकलन करते हुए पैसे पहुंचाए गए हैं जो कि आगे चलकर सभी पीड़ितों को सहायक बने। मुंबई में जो बहुत सारी ट्रेनें थी तो जितना काम सरकार के द्वारा नहीं हुआ है उससे ज्यादा काम स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा हुआ है क्योंकि लोग तो पहुंच रहे थे उनकी कोई व्यवस्था नहीं तो व्यवस्था करने वाले कौन थे। तो जैसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने काम किया ठीक उसी प्रकार समिति के बहनों ने भी काम किया है। अनेक जगह पे स्क्रीनिंग के लिए तो इस समय तो महिलाएं इतनी मात्रा में आगे आ रही थी हमें जाना है जो एक तरह से भय भी है सामने आया हुआ फिर भी समाज की सेवा करनी है तो हमें आगे जाना ही जाना है इसके लिए तो हम समिति में है। और इस दृष्टि से सभी आयामों पर प्रत्येक प्रांत में कार्य हुआ है जो कि स्लाइड में संख्यात्मक जानकारी सबके सामने आ ही गई है मैंने उसका विश्लेषण करके आपके सामने रखा है। इसमें मैं एक और छोटा छोटी सी बात जोड़ना चाहूंगी जो थोड़ी सी अलग है कि हम सबने देखा है कि पुलिस कर्मियों को बहुत ड्यूटी करनी पड़ती थी, रास्ते पर खड़ा होना पड़ता था। तो अपने सेविकाओं ने सोचा कि इनके लिए भी हमें कुछ करना चाहिए, तो समय समय पर उनकी चाय पानी की व्यवस्था करना, गर्मी के दिन थे तो कुछ ठंड पानी जल भी देना। तो इस तरह से यानी समाज के हर क्षेत्र में जहां जहां आवश्यकता है वहां वहां पहुंचने का प्रयास अपनी सेविकाएं करती है, अपने सूझबूझ के साथ करती है। जहां उनको दिखता है वहां वो दौड़ के चली जाती है, यही सेविका का एक स्थायी भाव है। और मैं थोड़ी जानकारी देती हूँ बहन जी, थोड़ी सी जानकारी और देती हूँ। ये केवल केवल कोरोना के समय हुआ है ऐसा नहीं, कोरोना में काम करने वाली जो सेवा कार्य करती है अपने सेविका है तो अभी मुंबई में कोंकण प्रांत में यानी कि कोकण आप जानती है कि अभी जो एक महाकाल ही आया समझो कि कोकण के किनारे पर, तो वहां पर भी सेविकाओं ने अपने मन से जाकर इतने बड़े पैमाने पर सभी प्रकार की आवश्यकता वहां पर भी थी। तो केवल कोरोना ग्रस्त नहीं, कोरोना ग्रस्तों के लिए काम करते करते साथ साथ ये भी काम किया है। उसके बहुत सारे फोटोग्राफ्स आज ही मेरे पास आए हैं। तो यानी कि जहां आवश्यकता है वहां सेविका जाती है, ये इस समय भी सेविका समिति के द्वारा सिद्ध हो रहा है। अब सबसे पहले तो मैं बहुत बड़ा धन्यवाद देना चाहूंगी अपने समिति की सारी बहनों को जिन्होंने कोरोना में इतना लार्ज स्केल पे बिग स्केल पे इतना सारा काम किया है। और इसलिए मेरा अगला प्रश्न है अलका जी से कि इतने बड़े स्केल पे इतना सारा काम ऑर्गेनाइज करने में बैकएंड क्या एफर्ट रहा है और कैसे आपने सारी समिति की बहनों को प्रेरणा दी कि वो अपने घर से बाहर निकले और एकजुट काम करे कोरोना के अगेंस्ट। जैसा सुनीला जी ने कहा कि कोरोना तो एक प्रसंग है, मगर राष्ट्र सेविका समिति में यह संस्कार दिया जाता है कि मैं यदि समाज से कुछ लेती हूं तो मुझे समाज को कुछ वापस देना ही चाहिए। तो यह जो एक भाव है वह हर सेविका के मन में उत्पन्न हो इस तरह के संस्कार अपने कार्यक्रमों द्वारा दिए जाते हैं। और जो आपको दिखता है आज की संख्यात्मक से इतना बड़ा काम,
तो ये एक केंद्र से या एक स्थान से डिक्टेट किया हुआ काम नहीं है। तो अपनी कार्य पद्धति ऐसी है कि हम कार्य का विकेंद्रीकरण करते हैं और विकेंद्रीकरण करने के कारण कार्य सहज सुलभ हो जाता है, पता ही नहीं चलता कि कब कार्य हो गया। तो ये विकेंद्रीकरण की जो अपनी पद्धति है उसी विकेंद्रीकरण पद्धति के अनुसार एक केवल कल्पना कि कोरोना के समय में राष्ट्र सेविका समिति की सेविकाओं ने अपना योगदान देना है, यह एक कल्पना सभी के मन में थी, हर सेविका के मन में थी, हर से प्रांत के जो दायित्व युक्त कार्यकर्ता है उनके मन में थी। केवल केंद्र से एक नॉड यानी सहमति कि हाँ हमें करना है यह काम, यह मिलते ही अपने अपने स्थान पर सेविकाएं कार्यरत हो गई, आवश्यकता के अनुसार अपने अपने कार्यक्रम योजना उन्होंने बनाई और अपने ही ओर से यानी इसको ही हम स्वयं सेवी कहते हैं ना, अपने भाव से अंतर से जो भाव उमड़ता है यह समाज मेरा है अपना है तो आज यदि आवश्यकता है तो उसके लिए मुझे काम करना ही चाहिए, यह जो भाव है उस भाव कार्यरत हो गया। ज्यादा कुछ ऊपर से हमें करवाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। तो जैसे आपने पूछा कि हमें कैसा साध्य हो गया कि जो आज अनेक सालों से यह संस्कार हम देते आ रहे हैं, सेविका यानी क्या है, सेविका किसे कहेंगे, क्या केवल दक्ष आरंभ जान लेने से गणवेश पहनने से सेविका नहीं बनती है, तो यह राष्ट्र के प्रति अपने समाज के प्रति पूरी निष्ठा, एक अपनापन, मेरा समाज मेरा राष्ट्र, यह जो एक बंधुत्व का भाव है, या मैं ऐसे आगे चलकर कहूंगी कि समाज के तरफ देखने की एक मातृत्व की दृष्टि जो प्राप्त होती है सेविकाओं को, तो वो अपने आप कार्यरत हो जाती है। बहुत ज्यादा ऊपर से कुछ ऑर्गेनाइज करने की आवश्यकता अधिक नहीं होती है, बस कुछ गाइडलाइंस देने से काम चल जाता है। इस समय में भी ऐसा ही हुआ है, कुछ गाइडलाइंस की हम क्या क्या कर सकते हैं, गाइडलाइंस आते ही सेविका कार्यरत हो गई और अपने आप अपने ही तरीके से अन्य अन्य विषयों को ढूंढते हुए जो जो संभव है वो सब उन्होंने किया। और जैसे सुनीला जी ने कहा वैसे ही केवल कोरोना ही नहीं, आज तक देश पर जो अनेक विपदाएं आई, नैसर्गिक विपदाएं हो सकती है या मनुष्य निर्मित विपदाएं हो सकती है, तो सभी में राष्ट्र सेविका समिति की सेविकाओं का योगदान इसी तरह का रहा है और यह संस्कार है, तो इस संस्कार को पाकर ही वो सेविका बनती है। तो इस तरह से सेविकाओं ने आज बहुत अच्छा योगदान दिया है और इस योगदान के कारण आज सेविका को एक सार्थकता भाव है कि मैंने समाज के लिए कुछ किया है, और यह सार्थकता भाव उनको और प्रेरणा देता है और आगे जाकर वो और अधिक कार्य करने के लिए वो उद्युक्त होती है। तो इस तरह से यह जो एक आपने जो और एक बात उसमें कही कि घर से बाहर निकलना, मगर हम बताते हैं कि आपको घर से बाहर निकलना यानी फिजिकली बाहर नहीं निकलना है, अपने कार्य क्षेत्र को बढ़ाना है, अपने भाव को बढ़ाना है। यह परिवार यानी केवल मैं मेरे बच्चे मेरे माता पिता या मेरे पति, इतना ही मेरा परिवार नहीं है, तो ये सारा समाज ही मेरा परिवार है। इस समष्टि भाव को जब हम जगाते हैं तो घर से बाहर निकलना यानी घर का कामकाज छोड़ के निकलना नहीं, घर का कामकाज निपट कर समय नियोजन ठीक ढंग से करते हुए समय नियोजन के साथ समाज के लिए समय देना, यह संस्कार समिति में मिलता है और उसके लिए यह संभव हो सकता है। थैंक यू मैम इस टॉक के लिए। एक आखिरी क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगी और ये बहुत जनरल प्रश्न है क्योंकि ये बहुत इंस्पायरिंग पूरा सेशन रहा, मुझे हम दोनों को पर्सनली बहुत इंस्पायर्ड फील हुआ कि अब एक इस देश में जो लड़कियां हैं महिलाएं हैं इनके लिए आपका क्या मैसेज होगा? आप अगर बस वो मैसेज के साथ हम ये सेशन कंक्लूड करना चाहेंगे तो ओवर टू यू। ठीक है कोई संदेश दे सकूं इतनी तो मैं बड़ी व्यक्ति नहीं हूं, मगर कुछ विनंती इस प्लेटफॉर्म का उपयोग करते हुए मैं कुछ विनंती तो अपनी युवा युवतियों को जरूर अवश्य करना चाहूंगी कि हम चाहते हैं कि महिलाएं जीवन के हर क्षेत्र में छा जाएं, हम चाहते हैं कि महिलाएं जीवन के हर क्षेत्र को अच्छा नेतृत्व दे, अच्छा लीडरशिप दे, क्योंकि महिला है उसका जो इंस्टिंक्ट है वो मातृत्व का इंस्टिंक्ट है, तो इसी इंस्टिंक्ट के साथ वो हर क्षेत्र में कार्य करे, यानी जो पर्सनल करियर है वो भी वो करे, मगर यह सब करते समय यह ध्यान में रखे
कि देश हमें देता है सब कुछ, मैं भी तो कुछ देना सीखूं, कि समाज ने मुझे इतना कुछ दिया है, मेरा मेरा ज्ञान, मेरी विद्या, मेरा करियर, यह सब समाज की ही देन है। समाज के बिना यह संभव नहीं होता है। समाज की जो सिस्टम्स है वो कार्य करती है, काम करती है, और इसीलिए मैं सब कुछ पा सकती हूँ। तो ये जो जीवन है, यह जीवन मुझे समाज ने दिया हुआ जीवन है, तो मेरा यह कर्तव्य बनता है कि मैं भी समाज के लिए कुछ करूं। तो यह भाव आज की युवा पीढ़ी ने जरूर अपने मन में रखना पड़ेगा। करियर हम करेंगे, करियर में यशस्विता हम पाएंगे, वहां भी हम अत्यंत श्रेष्ठता के साथ ही सिद्ध हो जाएंगे। उनका यह एक हम अंग बनाएंगे, अविभाज्य अंग बनाएंगे कि समाज के लिए मैं कुछ सेवा दे सकूं। तो यह युवतियों के लिए मुझे विशेष रूप से आपके माध्यम से यह विचार उनके सामने जरूर रखना है, और महिलाओं के लिए भी मैं ऐसा जरूर आपके इस माध्यम से मैं बताना चाहूंगी कि हम महिलाएं हैं यानी गृहिणियां जो है, तो घर गृहस्थी संभालना यह हमारा कर्तव्य है ही, तो उसके तरफ हम पूरा ध्यान देंगे, मगर समय नियोजन के साथ हम फिर से अपने घर गृहस्थी, अपना करियर, यदि हम जॉब करते हैं तो जॉब के जिस स्थान पर हमें उसको भी सही न्याय देते हुए जीवन के दिन के जो 24 घंटे हैं उसका सही नियोजन यदि हम करना सीखे, तो हर व्यक्ति अवश्य ही कुछ ना कुछ अपना समय जो है वो समाज के लिए दे सकती है। वो महिला हो या पुरुष हो, युवा हो या प्रौढ़ अवस्था में हो, समय नियोजन और इच्छा शक्ति, यदि दो बातें हम सीख जाए, इच्छा शक्ति होनी चाहिए मन में कि मुझे कुछ करना ही है मेरे समाज के लिए, वह मेरा है, अपना है, और इस समाज को मैं एक उन्नत रूप में देखना चाहती हूँ, यह आकांक्षा, केवल मैं मेरा परिवार एक उत्तम स्थिति पर पहुंचे इतना न कहते हुए पूरा मेरा राष्ट्र, पूरा मेरा जो समाज है वह एक उन्नत स्थान पर प्रतिष्ठापित हो, यह एक आकांक्षा हर महिला ने अपने मन में यदि रखी है, तो जैसे वंदनीय लक्ष्मीबाई केळकर अर्थात राष्ट्र सेविका समिति की प्रथम प्रमुख संचालिका और संस्थापिका, उन एक कल्पना हमारे सामने, सेविकाओं के सामने उसने रखी है कि महिला जो है वह संसार रथ की सारथी है। शब्द बहुत सरल साधा लगता है, मगर हम सब जानते हैं कि सारथ्य करने के लिए, अर्जुन के रथ को धर्म के मार्ग पर चलाने के लिए स्वयं श्री कृष्ण भगवान को सारथ्य करना पड़ा। यानी ऐसी क्षमता हर स्त्री में आनी चाहिए कि अपने परिवार को वो सन्मार्ग की ओर ले जा सके। तो एक जो यह स्वयं नेतृत्व जिसको हम कहते हैं कि सेल्फ लीडरशिप, अपने आप में सेल्फ लीडरशिप को डेवलप करते हुए, अपने परिवार को सन्मार्ग पर रखते हुए, अपने राष्ट्र को एक ऐसे स्थान पर पहुंचाए कि जहां वह राष्ट्र दैदीप्यमान स्वरूप में प्रकट हो, और सारा जो विश्व है, आज सारा विश्व भारत की ओर देख रहा है, यहाँ की परिवार व्यवस्था, यहाँ की इको फ्रेंडली जीवन पद्धति, तो इन सब बातों को हम अपनी धरोहर मानते हुए उसे बचा के रखें, उसका वर्धन करें, उसका और अच्छा संस्करण करें, और विश्व को देने के लिए हमारी क्षमताओं को हम बढ़ाए, क्योंकि आज विश्व हमारी ओर देख रहा है, भारत की ओर देख रहा है कि यदि कोरोना के बाद इस विश्व को एक सरल, शांत, सुंदर जीवन बिताना है तो भारतीय विचारधाराओं के साथ हमें जुड़ना पड़ेगा, भारतीय जीवन पद्धति के साथ हमें जुड़ना पड़ेगा, यह विश्व मान रहा है, तो यही हमें भी जानना चाहिए, और इस जीवन पद्धति को जो सही में अपने सृष्टि के साथ संतुलन रखती है, उस जीवन पद्धति को हम अपनाएं, भौतिकतावाद से दूर हटे, आध्यात्मिक मार्ग पर, इसके लिए बहुत कुछ संन्यास लेने की जरूरत नहीं है, मगर सत्य निष्ठा और शुचित्व ये दोनों रखते हुए यदि हम अपना जीवन, हर एक व्यक्ति अपना जीवन ऐसा बनाए, तो अपना राष्ट्र नजदीक के भविष्य काल में सही में एक सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र के नाते उभर कर आएगा, और वही हम सब सेविकाओं का एक
आंखों में सजाया हुआ, संजोया हुआ सपना है वो साकार करने के लिए आप सबके सहकार की एक विनंती, सरकार की विनंती करते हुए मैं मेरे वक्तव्य को विराम देती हूँ। धन्यवाद मैम। इंडिया कोविन एक्शन नेटवर्क की पूरी टीम की तरफ से आपका और सुनीला मैम का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने महिलाओं को बहुत इंस्पायर किया आज इस सेशन में आके, और बहुत सारी हमें इंफॉर्मेशन भी मिली जो शायद हम नहीं जानते थे। तो बिल्कुल कोशिश करेंगे आपका जो संदेश है इसे जितना हम लोग अंदर इंटरनलाइज कर सके और इसे आगे ले जा सके। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्ते। धन्यवाद। यह अवकाश देने के लिए आपको भी धन्यवाद।